को चाहिए तुम्हें? अम्मा वक्त देखा है तुमने कि तुम्हारी उम्र है इतनी रात को खुद को कामों में लगाए रखने की। मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? तुम्हारी दुल्हन? उसे तो इनकार नहीं है अम्मा, तुम्हें ही उसका काम पसंद नहीं आता। बेटा काम करेगी तो पसंद आएगा ना, अभी तक तो वो अपने आप को नई नवेली दुल्हन समझती है। खैर मेरी हड्डियों में जब तक जान है मैं तो काम करती रहूंगी। और दुआ? दुआ क्यों नहीं करेगी? उसकी तो उम्र है घर संभालने की। दुआ की उम्र है पढ़ाई करने की, बेटा तालीम ही बाद में काम आती है। कल से बच्चियां घर पर ही होंगी अम्मा, तो घर की जिम्मेदारियां उन पर डालो, रहम करो अपनी हालत पर। मेरी बात सुनो सईद, अपनी दुल्हन से कह दो कि बच्चियों की तालीम में रुकावट मत डाले। क्यों, हमने उनसे कोई नौकरियां करवानी? मुझे नहीं चाहिए कोई तालीम वाली। कल से मैं बच्चियों की जबान पर स्कूल का नाम ना सुनूं। सईद सिला, तुम अभी तक जागी नहीं हो, उठो सिला, जागो, हम लोग लेट हो रहे हैं। दुआ आप ही तंग मत करो, सोने दो मुझे। सिला मैं क्या कह रही हूँ, उठो हम लोग लेट हो रहे हैं, तुमने स्कूल नहीं जाना, पढ़ना नहीं है। अरे दुआ क्या कर रही है, रहने दे इसको, सोने दे। और हाँ तूने यूनिफॉर्म क्यों पहना हुआ है? तेरी दादी ने नहीं बताया था कि तेरे अब्बा ने क्या कहा है कि आज से तुम भी स्कूल नहीं जाओगी? हाँ चलो दुआ, चलो स्कूल चलो। दादू ये देख, सिला इस वक्त जाग रही है लेकिन फिर भी नाटक कर रही है कि सो रही है। सिला दुआ अभी मैं नहीं जाना चाहती स्कूल, छोड़ दे मेरी जान। तमीज से बात करो सिला। दुआ इसको छोड़ो, तुम स्कूल चलो, देर हो रही है। अरे अरे बहन, किस मिट्टी की बनी हो आप? याद नहीं है आपके बेटे ने क्या कहा था कि ये स्कूल नहीं जाएगी और दुआ भी स्कूल नहीं जाएगी? अब वो जागेगा ना, खुद ही आप पे गुस्सा होगा। बेटे को अच्छी तरह से मालूम है कि मैं उसकी बात नहीं मानूंगी। चलो बेटा देर हो रही है। वाह है, बहुत ही गुस्सा औरत है। उठेगा ना सही भैया, इससे ही निपट लूंगा। मेरा बच्चा सो जा शाबाश। अम्मा क्या कर रही हो? कुछ चाहिए होता तो बच्चों को बोल दिया करो। किस बच्चियों की बात कर रही हो? तुम्हारी चहेती तो अभी तक सो रही है और दुआ उसको दादी स्कूल छोड़ने भी चली गई। क्या फिर स्कूल चली गई है वो? मैंने तो रोका था लेकिन मेरी यहाँ पे सुनता कौन है? ये दादी की शहर, इसीलिए दुआ इतनी बदतमीज है। सईद ने मना भी किया था लेकिन ये दादी पोती नहीं बाज आती। उनका बस चलता ना तो सलाह को भी साथ लेके चली जाती। अभी उठते हैं सईद, तो बताते हैं। बताओ नहीं, समझाओ उसे और कहो कि ये माँ बेटियां उसके कहने में नहीं है, ये ना हो कि आगे जाके पछताना पड़े। मारो मुझे एक कप चाय पिला, अभी आँख भी सही नहीं खुली है मेरी। शानी चला गया? जी चला गया। चाय पियेंगे? अरे नहीं नहीं, सुबह से मेरे मुझसे चाय नहीं पी जाती, देर हो गई आज, उठा देती मुझे। सोते ही रहा करें तो अच्छा है, जागेंगे तो फोन ही चलाएंगे अपना। क्यों क्या हुआ? सईद आपसे बर्दाश्त हो जाता होगा लेकिन मुझसे नहीं बर्दाश्त होता। सारा दिन बाहर खून जलाकर आप इन्हीं के लिए मेहनत करते हैं ना, और यही लोग आपकी बात को अपनी जूते की नोक पर रखते हैं। किसकी बात कर रही हो? अम्मा जी को मना किया था ना आपने कि दुआ स्कूल नहीं जाएगी आज से। हाँ मना कर दिया था मैंने। मना किया था मगर फिर भी अम्मा जी चली गई स्कूल छोड़ने।